कच्चे में पक्के डाकू का राज खत्म करने के लिए ऑपरेशन। दादरपुर में लिठारी गैंग का कला कमा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का घेरा तंग। पुलिस और डाकू के मबैन फायरिंग का दूसरा रोज। कच्चा कराची के तमाम बैरूनी इलाकों को सील कर दिया गया। ऑपरेशन में रेंजर्स, एलीट फोर्स और एसओयू कमांडोज की भी शिरकत। कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पुराजम। डीपीओ रहीम यार खान, उमर सलामत और डीपीओ राजनपुर हारून रशीद की कयादत में फोर्सेज का एक्शन। पुलिस अफसरान की रोही से खसूसी गुफ्तगु। कहा कि इलाके को डाकुओं से पाक करके ऑपरेशन को मंथली अंजाम तक पहुंचाएंगे। जी इसको हम कंसोलिडेट करेंगे जी, अभी सारे इलाके को सैनिटाइज करेंगे। अभी तो हमने एंट्री की है उनके कैंप शैंप हमने, अब उसके बाद हम बोट्स मंगवा रहे हैं ताकि सारी नफरी अंदर जाए और पूरे इलाके को हम सैनिटाइज, पूरा जो आइलैंड्स है इसको प्रॉपरली हम सर्च करें करके अंदर से द एरिया इज कम्प्लीटली क्लियर। अभी हमने और भी अपनी जो है नफरी उसको अंदर भेजना है ताकि पूरी क्लियरेंस वगैरह कर लें। रोही भी कच्चा ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना। रोही टीम भी पहुंची पुरखतर इलाकों के अगले मोर्चों पर। ऑपरेशन के हालात से रखा सराकी खित्ते को बाखबर। अवाम ऑपरेशन की कामयाबी और ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के लिए दुआगू। महंगाई की जोरावर लहरों ने आवाम को अपनी लपेट में ले लिया। खाएं तो क्या खाएं, सब्जियां को सब महंगा। कचना 260 सीधे 240 रुपए फी किलो में फरोख्त। छोटे गोश्त की सरकार कीमत 620 मुकर्रर। 1000 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। इंतजामिया भी महंगाई के सैलाब में गिरा परोसों के आगे ना टिक सकी। भिंडी लेने के लिए हम आए थे, 200 रुपए किलो भिंडी का रेट है, हमारी पहुँच से बाहर है। गरीब आदमी हम कहाँ से खाएं। हमने खान साहब को वोट दिया है लेकिन इस चीज़ पे नहीं दिया कि महंगाई करें। इस चीज़ पे वोट दिया कि खान साहब गरीब आवाम के साथ ताबून करें, लेकिन हर चीज़ का उन्होंने तूफान तोड़ रखा है। क्या गरीब आवाम लेगी बताओ। ये था कि नई गवर्नमेंट आएगी, अच्छे मंसूबे लेके आएगी, अच्छे कारोबार होंगे। ये गोश्त भी महंगा है, चिकन भी महंगा है, बीफ भी महंगा है, मटन भी महंगा है। इस वक्त ये हालात है कि सारा सारा दिन हो जाता है हम लोगों को बैठे हुए, कस्टमर नहीं आता। मैं कहीं भूख से ना मर जाऊं, ए अमीर शहर। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम की दुहाइयां। मजदूर और दिहाड़ीदार तबका अशिया कुरनोश के महंगा होने पर परेशान। कहते हैं कई रोज से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, हुकूमत मजदूरों पर रहम करे। बहुत परेशान है हमारा, कुछ सोचो, हम गरीब आदमी कहाँ जाए। हम जब घर जाते हैं बच्चे खर्ची मांगते हैं या रोटी मांगते हैं तो हम कहते हैं बेटा आज तो हमारे पास कुछ नहीं है, अल्लाह का नाम लो और सो जाओ। बहावलपुर में शहरी और ताजर महंगाई के खिलाफ सराबा एहतजाज। तब्दीली सरकार को पुराना पाकिस्तान वापस देने के नारे। कहते हैं हर चीज इतनी महंगी हो गई कि कोई पूछने वाला नहीं। दाल, सब्जी, गोश्त और अद्वियात पहुँच से बाहर हो चुकी। मुल्तान में महंगाई और गर्मी की रेस लग गई। एयर कूलर की मांग तो बढ़ गई, कीमत खरीदार की पहुँच से बाहर। सार्फिन कहते हैं 7000 का एयर कूलर 12000 रुपए में कौन लेगा। ग्राहक ना आने से दुकानदार भी परेशानी का शिकार। मियांवाली में सेहत के रखवाले ही सेहत के दुश्मन बन गए। डीएचयू अस्पताल के इहाते में फुजला जलाया जाने लगा। मुजरे सेहत धुएं ने हॉस्टल और सीयू ऑफिस को शदीद मुतासर किया। इंतजामिया खामोश, तमाशाई बन गयी। मुल्तान और डेरा गाजी खान में गंदम खरीदारी मराकज की रौनकें बहाल। मुल्तान में 17 जबकि डीजी खान में 9 खरीदारी मराकज कायम। काश्तकारों की कसीर तादाद दरखास्तें लेकर सेंटर्स पर पहुंच गई। 23 अप्रैल से बारदाना तकसीम किया जाएगा। गंदम खरीदारी मराकज के नाकिस इंतजाम ने इंतजामिया के ढोल का पोल खोल दिया। खानेवाल खरीदारी मरकज में दरख्वास्त के लिए आए काश्तकारों की धक्कम पेश। डीसी इशफाक अहमद इत्तला मिलते ही खुद मौका पर पहुंचे। कहा कि सिक्योरिटी की नाहली के बाद बदमस्ती हुई। उधर डिप्टी कमिश्नर लगिया काश्तकारों के लिए किए गए इंतजाम से मुतमईन। महकमे खुराक मुल्तान के एहसन इकदाम। खरीदारी मराकज पर काश्तकारों के तहफ्फुजात दूर करने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। मुल्तान की सतह पर 4 कमेटियां कायम। सरबराह डीसी होंगे, सीपीओ, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, डीडी जरात, काश्तकारों का नुमाइंदा शामिल।
रहीम यारसा में तेज रफ्तार लैंड क्रूजर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। लैंड क्रूजर तेज रफ्तार के बाद नहर में जा गिरी। हादसे के नतीजे में तीन अफराद जहां भाग और चार जख्मी। दो जख्मियों की हालत तश्वीशनाक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बहावलपुर में रेस्क्यू एहलकार आशिक अली की हलाकत का मामला। गहराई में इस्तेमाल होने वाली व्हीकल खराब होने का इंकशाफ। रिकवरी व्हीकल में गहराई में उतरने वाले आलाप ही नहीं थे। डीजी रेस्क्यू ने नोटिस देते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कहते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर शहीद एहलकार आशिक अली की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गयी। डायरेक्टर इमरजेंसी रहीम चन्नड़ समेत अफसरान और शहरियों की शिरकत। पंजाब पुलिस की वर्दी तो बदल गई, रवैया ना बदल सका। मुल्तान में इंस्पेक्टर ने दो अफराद के हमरा बेगुनाह शहरी को भी सड़क पर घसीटा। शहरी वकील के हमरा अदालत आया था, तशद्दुद के बाद गाड़ी में डाल कर ले गया। रोही टीम के कैमरामैन पर भी झपटने की कोशिश। बहावल नगर में यूसी चेयरमैन की शराब और शबाब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लीगी चेयरमैन सादिद महमूद गुर्जर ने सरकारी दफ्तर में डांस पार्टी सजा ली। डीपीओ अमारा अजहर का नोटिस। सादिद महमूद समेत सात अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दो गिरफ्तार। मामूली तल कलामी पर लाठियों का आजादाना इस्तेमाल। कानपुर नवाकोट रोड पर दो ग्रुपों में तसादुम। लड़ाई के बाद छह अफराद जख्मी हालत में टीएसयू अस्पताल मुंतकिल। हुकूमती वुजरा तालीम दुश्मन पॉलिसीज पर चल पड़े। रेलवे स्कूलों की बंदिश पर बहावलपुर में एहतजाज। ट्रेन यूनियन पाकिस्तान रेलवे बहावलपुर की एहतजाजी रैली। तलबा और उस्तादा ने शिरकत की। वजीर रेलवे से तालीमी इदारे बहाल रखने का मुतालिबा। शेख रशीद को नहीं चाहिए कि वो हमारा स्कूल बंद करें। इतनी हमारे माँ बाप में भी इतनी नहीं है कि वो हमारी फीस अफोर्ड कर सके। वजीर आजम से भी अपील करते हैं कि हमारा स्कूल खुलवाए। डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के नित नए अंदाज। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर को 7 करोड़ की रिकवरी का टारगेट दे दिया। हदफ पूरा ना होने पर 7 इंस्पेक्टर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। एफका ने इंक्वायरी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुल्तान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात रोक दिए। 200 से ज्यादा मुलाजमीन दिफातर के चक्कर लगा कर थक गए। फंड्स आएंगे तो बकाया जात अदा कर देंगे, महकमे का मुलाजमीन को जवाब। सोशल वेलफेयर पंजाब ने मुलाजमीन की सीनियोरिटी लिस्ट से तलब कर ली। मुल्तान समेत तमाम डिविजनल डायरेक्टर को लेटर जारी। डायरेक्टर मुल्तान अजहर अख्तर ने हंगामी मीटिंग तलब कर ली। मुलाजमीन को प्रमोशन कमेटी के तहत तरक्की दी जाएगी। मौसम बदलते ही मुल्तानियों पर गैस्ट्रो के वार शुरू। 24 घंटों में 159 शहरी मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। डॉक्टर्स की शहरियों को खाने पीने और बाजारी मशरूबात में एहतियात बरतने की हिदायत। डीसी ऑफिस बहावलपुर में क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। गैर कानूनी एक्ट पर 8 मेडिकल स्टोर मालिकान को वार्निंग दी गयी। एडीसी डॉक्टर सैफुल्ला भट्टी की स्टोर मालिकान को मयारी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सेंट्रल कॉटन कमेटी की जरिए तहकीकी कमेटी का इजलास। साइंसदानों ने कपास पर की गई तहकीकत के नतज पेश किए। सदर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर आजम के 15 मिलियन कपास के टारगेट की तकमील के लिए कोशिशें हैं। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर के शोभा इमरजेंसी की अपग्रेडेशन शुरू। तर्जमान अस्पताल के मुताबिक 14 करोड़ की लागत से नई इमारत तामीर की जाएगी। डॉक्टर असलम मलिक ने कहा कि इमरजेंसी मरीजों के इलाज में बेहतरी आएगी। डेंगू मुकाव मुहिम तेज की जाए। बाबडा रेलवे डिपार्टमेंट एंटी डेंगू मुहिम शुरू करे। सीईओ सेल्थ अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मी राशिद की वीडियो लिंक मीटिंग में हिदायत। सीईओ हेल्थ मुल्तान डॉक्टर मुनव्वर अब्बास की मीटिंग में शिरकत। वापडा मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का रद्द अमल। पिहाड़ी मेलसी और बुरेवाला के वापडा मुलाजमीन की हड़ताल, दफातर की तालाबंदी। वापडा कॉम्प्लेक्स में धरना दे दिया। झूठी एफआईआर के खात्मे तक हड़ताल और धरने का ऐलान।
सखर में रेलवे अफसरान को हथकड़ियां लगाने का मामला अकाउंट मुलाजमीन के एहतजाज की से रोज भी जारी। मुजाहरीन ने कहा कि अफसरान को बगैर वजह हथकड़ियां लगाना काबिल मुजम्मत है। एहतजाज के बायस रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें रुकने का खदशा, अफसरान की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का आज़्म। नौजहां में खातून पर तशद्दुद और मुबैना ज्यादती का मामला, पुलिस मुलजमान को ताहा गिरफ्तार न कर सकी। डीपीओ दफ्तर के सामने इंसाफ के लिए एहतजाज। उधर डेरा गाजी खान में भी थाना काला पुलिस के खिलाफ शहरियों का आरपीओ दफ्तर के बाहर एहतजाज। शहरियों का पुलिस पर रात गए घरों में घुसकर जदों को करने का इल्जाम। चिश्तियां से अगवा मां बेटी के वर्षा का कचहरी चौक पर एहतजाज। वर्षा ने प्ले कार्ड उठाकर थाना बी डिवीजन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस 22 माह कबल अगवा होने वाली बिनिश नास और 4 साल सानिया को बाजियाब नहीं करा रही, मुजाहिरीन का इल्जाम। लोधरा पुलिस से तंग शहरी इंसाफ के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया। कहा मुझ पर और मेरे भाई जमन खान पर 4 झूठे मुकदमा बनाए गए। एएसआई मुनीर ने जाति मामले पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाए। अदालत डीपीओ को तहकीक की हिदायत दी। तब्दीली सरकार में भी मुल्तान के मसाइल में कमी ना सकी। UC 46 की पीर कॉलोनी सीवरेज के पानी में डूब गई। अहले इलाका वासा के खिलाफ सराफा एहतजाज, कहते हैं मुतादी दरखास्तों के बावजूद सुनवाई ना हो सकी। पाबंदी के बावजूद मुल्तान में कूड़े को आग लगाने का सिलसिला जारी। नवाशहर चौक के करीब कूड़े को आग लगा दी गयी। धुएं से स्कूल के बच्चों का सांस लेना दो भर हो गया। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुल्तान बस्ती नडाला में बासर ओबाश की खातून के साथ ज्यादती की कोशिश। शोर मचाने पर मुलजिम फरार। खातून इंदिराज मुकदमा के लिए थाना सदर पहुंच गए। मुजफ्फरगढ़ पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। सिविल लाइन पुलिस ने शराब फरोश धर लिया। मुल्जम के कब्जे से 100 बोतल बलाशी शराब बरामद। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान अदालत में कत्ल केस की समाप्त हुई। अदालत ने दो मुलजिमान को सजाए मौत और उम्र कैद की सजा का हुक्म सुना दिया। आरपीओ ऑफिस बहावल नगर में तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंकिंग लगाने की तकरीर। आरपीओ और डीपीओ बहावलपुर ने तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाए। डीसी मुजफ्फरगढ़ की जेर सदारत इजलास, शहर की तामीर तरक्की का जायजा लिया गया। तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डॉक्टर एहतिशाम अनवर ने कहा कि शहर के वस से गुजरने वाली सड़क की तामीर जल्द शुरू होगी। सड़क डबल होने से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पोलियो मुहिम में नाहली नाकाबले बर्दाश्त है। सीओ हेल्थ मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर जियाउल हक इन एक्शन। फराज ने गफलत बरतने पर एक लेडी हेल्थ वर्कर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 27 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 9 मुलाजमीन को शोकॉज नोटिस जारी। मियांवाली में अब तक इजाइत का इफ्तिताह कर दिया गया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सईद शेख और अहमद खान न्यासी ने शिरकत की। शहरियों को गिजा की अहमियत बारे आगाही दी जाएगी। हमला खवातीन और 5 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। वतन की बहादुर बेटी ने अमेरिका में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। पाक फोर्स की मेजर साशा गुलजार ने अमेरिका में ट्रेनिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मेजर साशा गुलजार ने 52 खिलाड़ियों में पहली पोजीशन हासिल की। रिहाड़ी में मेजर साशा के वालिदैन और अहले खाना खुशी से निहाल। जजेस और वकला भी सरकारी मुहिम में पेश। जलालपुर पीरवाला जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मोहम्मद आसिफ समेत जजेस और वकला ने पौधे लगाए। और लो इनकम सेकेंडरी स्कूल रहीम यार खान में दीवार मेहरबानी और ईसीई रूम का अफ्तिताह। डीईओ सेकेंडरी नियाजिज अहमद की खुसूसी शिरकत। प्रिंसिपल समीना सरवत की भी शिरकत। नन्ही तालिबात की खूबसूरत टेबलेट परफॉर्मेंस शुरा के दिन में हुई।